आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी गार्लिक बटर रोल्स, जिन्हें बनाना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इन्हें हमने घर पे बनाया है, वो भी होल व्हीट फ्लार के साथ, यानी गेहूं के आटे के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कांतारा रेसिपी। वीडियो को ध्यान से देखें, रेसिपी को ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम आधा कप गुनगुना दूध लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। नॉर्मल शुगर को पीस कर यूज़ कर सकते हैं। फिर डालेंगे 1.5 टेबलस्पून जितना हम ड्राई ईस्ट, यहाँ पर मैंने ड्राई ईस्ट ली है, आप अगर फ्रेश ईस्ट ले रहे हैं तो उसको आप डायरेक्ट फ्लावर में मिला सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे प्रूव होने के लिए। अब हम ले लेंगे 3 कप गेहूं का आटा, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर चिली फ्लेक्स, साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून जितना नमक और डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर ओरिगेनो। यहाँ पे आप मिक्स हर्ब्स भी ले सकते हैं या हरा धनिया भी ले सकते हैं। फिर डालेंगे इसमें ऑयल, ऑयल कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का नहीं लेना है, जैसे सरसों तेल वगैरह, रिफाइंड ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल लेना है। फिर हम सारे आटे को और मसाले को मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे जो ईस्ट हमने प्रूव होने के लिए रखी है। आप देख सकते हैं ईस्ट अच्छे से प्रूव होगी, एकदम झाग आ गया इसके ऊपर, ये ऐसी हो जाएगी तभी हमें इसको आटे में मिलाना है, नहीं तो हम जो भी रेसिपी बनाएंगे वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। इसका हमें एकदम सॉफ्ट डो लगाना है और आटे को इस तरह से खींच खींच कर हमें नीड करना यानी गूंथना है, इसी से हमारी जो रोल है वो बहुत अच्छे और बढ़िया बनेंगे। फिर हमें इसको रखना है प्रूविंग के लिए, तो ऑयल लगा देंगे बर्तन पे और आटे पे, ताकि जब हम इसको डीमोल्ड करें तो ईजीली हो जाए, और इसको ढककर हम रख देंगे 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर, ताकि अच्छे से प्रूव हो जाए। 1 घंटे बाद ये अच्छे से प्रूव हो गया है। अच्छे से प्रूव होने के बाद हम इसको बॉल बना लेंगे और फिर इसकी इस तरह से पतली रोटी बेल लेंगे, या मैंने स्क्वायर शेप की रोटी बेली है। अब इसमें मैं लगा रही हूँ गार्लिक बटर और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं अपने पसंद के। और फिर डालेंगे हम इसके ऊपर हरा धनिया, आप चाहें तो यहाँ पर हरे प्याज, हरा लहसुन भी लगा सकते हैं। और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे यहाँ पर चीज़, चीज़ आपको जो पसंद हो और जितनी पसंद हो आप डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से और मसाले भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसको रोल कर लेंगे इस तरह से, एक पूरा इसको लोफ जैसा बना लेंगे। रोल बनाने के बाद इस तरह से हमें इसके पीसेस कर लेने हैं, आप चाहे तो चाकू से कर सकते हैं और आप चाहे तो धागे की हेल्प से भी कर सकते हैं। फिर हम लेंगे बेकिंग डिश, जिसमें हम इसको बेक करेंगे, उसमें ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। हमने जो रोल तैयार किया है उनको कुछ इस तरीके से हमें बेकिंग टिन में जमा देना है, थोड़ा जगह रखना है बीच में और फिर प्रूविंग के लिए रखना है 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं जो रोल हमने रखे थे वो साइज़ में जस्ट डबल हो गए, काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनको देंगे मिल्क वॉश। मिल्क वॉश देना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम इनको बेक करें तो इनके ऊपर बहुत अच्छा गोल्डन कलर आए। ये अच्छे से हमने इनको मिल्क वॉश दे दिया, अब हम इनको बेक करेंगे। आप चाहे तो ओटीजी में कर सकते हैं और जिनके पास ओटीजी नहीं है वो इस तरह से कढ़ाई में कर सकते हैं। पहले कढ़ाई को 5 मिनट के लिए अच्छे से गर्म करना है तेज आंच पर, फिर बेकिंग टिन रखने के बाद गैस की आंच बिल्कुल धीमी रख देनी है और ढक्कन लगाकर हमें इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है और बीच में चेक करते रहना है। ओटीजी में बेक करने के लिए ओटीजी को पहले 10 मिनट्स के लिए हाई टेम्परेचर प्री हीट करेंगे, फिर बेकिंग टिन रखेंगे और फिर हमें इसको हाई टेम्परेचर पर ही कुक करना है करीबन 20 से 25 मिनट के लिए और बीच में चेक करते रहना है। गार्लिक बटर रोल बनकर तैयार हो गया है और काफ़ी अच्छे से बेक हुआ है। इनको मैंने 20 मिनट्स के लिए ओटीजी में बेक किया है। अब इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे, बटर लगाने से ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ से और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, फिर हम इसे सर्व कर सकते हैं। गार्लिक बटर रोल सर्व करने के लिए तैयार हो गए हैं। आप इन्हें टी या कॉफ़ी के साथ, बच्चों के टिफ़िन में या फिर ब्रेकफास्ट में बनाकर सबको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह वीडियोस को देखते रहें, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक बढ़िया और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।